हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। और गाइस, आज का ये जो लुक है ये राजस्थानी ब्राइडल HD मेकअप लुक है जो मैंने क्रिएट किया है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट से। और ये मैंने कैसे क्रिएट किया है तो आप आगे देखिएगा वीडियो में। पर वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो गाइस, हम देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिल करूँगी मैं आईब्रोज। तो आज हम आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। एक आईज का मेकअप मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं दूसरी आईज का मेकअप कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। और गाइज, ये बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है, तो आप इससे आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो मैं इसे आई बेस की तरह ही यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैंने लिया है ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है L18 का, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है। जिनके भी प्राइस हैं सारे मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और आप देख सकते हो मैंने लिया है ये आई शेडो पैलेट जो कि मैंने लिया था 300 रुपीज़ का। तो ये गाइस ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर मिल गया लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। बहुत ही अच्छा वाला आई शेडो पैलेट है। और फिर मैंने लिया है ब्लैक काजल, उसको थोड़ा सा अपने आईज़ पर लगाया है, स्मोकी आईज़ क्रिएट की है। आप देख सकते हो स्मोकी आइज़ तो वैसे भी सभी को क्रिएट करना आ गई है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद मैंने लिया है ये SFR का ही पैलेट जिसमें से मैंने ये एक क्या कलर कहेंगे इसे, फ्रोजी सा कलर लिया है। तो आप देख सकते हो पहले वो लगाया है और फिर उसके बाद लगाया है ग्लिटर। तो गाइज़, बहुत ही जल्दी होने वाला और बहुत ही सुंदर आइज़ मेकअप है। उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से गैलेक्सी कुछ करके पैलेट है, ये नाम तो मैं मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र, बायोटिक का मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 65 रुपीज़ का मैंने लिया था नायका से। और NYBA का मैं ले रही हूँ प्राइमर। तो आजकल लॉन्ग वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है तो शॉर्ट वीडियो में फटाफट से बता देते हैं कि क्या है। और गाइज, ये है बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल फाउंडेशन फुल कवरेज, आपको मैं रेकमेंड करूँगी। अगर आप कोई भी फुल कवरेज फाउंडेशन लेना चाहते हो तो ये वाला ले सकते हो। और ये है कलर सेंस का फाउंडेशन, मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। इसकी पैकेजिंग दूसरी आ गई है, पुरानी पैकेजिंग का भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ बट ये पैकेजिंग जो है वो नई आ चुकी है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। पूरा का पूरा मैट फाउंडेशन है ये, बहुत ही प्यारी मतलब कवरेज के साथ साथ बहुत ही अच्छा बेस देता है। और NYBA का कंसीलर यूज़ किया है मैंने, कंसीलर नहीं सॉरी कॉन्टोर यूज़ किया है। स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है, ब्लू हेवन का लूज पाउडर यूज़ किया है। आप देख सकते हो कभी भी आप HD मतलब अच्छा सा लुक क्रिएट करना चाहते हो तो आप लूज पाउडर ही यूज़ करना, उससे आपका बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है मेकअप और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर से मैंने अगेन स्विस ब्यूटी की पेंसिल ली थी, ब्लू पेंसिल, उसको नीचे के लॉर लैश पे लगाया उसको। और जो कलर मैंने SFR के लिए थे उसी को लेकर मैंने स्मर्च कर लिया था। और फिर मैंने लिया है ये SFR का ब्लश जो कि है एक पीची टोन का ब्लश और उसे लगाया है। तो आप देख सकते हो पीची टोन के ब्लश आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ही प्यारा लगता है, उससे फेस बहुत ही पीची पीची सा मेकअप आता है। उसके बाद मैंने लिया है ये इन कलर का हाइलाइटर जो कि बहुत ही अच्छा है, बेकिंग हाइलाइटर। तो आप कोई सा भी कलर इसमें ख़रीद सकते हो, मैंने इसका फुल वीडियो भी किया है, मेरे पास कितने ज़्यादा हाइलाइटर हैं उनके ऊपर, तो आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन पे दे दूँगी। और उसके बाद मैंने सारे अपने मेकअप को सेट करने के लिए लिया है किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। लैशेस मैंने ऑफ कैमरा लगाई है और ये है मेरा फाइनल लुक।
तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भी कुछ देखना हो आपको लुक में तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइज़ वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अंदर ही रहना, घर में सेफ रहना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।